नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं दिखा मतदाताओं में उत्साह। जी हां, बात करते हैं बलिया नगर निकाय चुनाव की, जहां 2,59,383 मतदाता, जिसमें पुरुष मतदाताओं की कुल संख्या 1,41,599 और वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,17,784 है। जिले के 2 नगर पालिका व 8 नगर पंचायत में चुनाव संपन्न हुआ। 38 केंद्रों पर सीधा वेबकास्टिंग की गई। जिला प्रशासन की सख्ती सभी जगह नजर आई। बलिया जिले में हो रहे नगर निकाय चुनाव में रेवती नगर पंचायत में गड़बड़ी की शिकायत पर जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम रेवती के एक मतदान केंद्र पर खुद पहुंचकर मतदान के लिए लाइन में खड़े मतदाताओं की आईडी प्रूफ को चेक किए। सभी मतदान केंद्रों पर जिला प्रशासन की कड़ी नजर दिखी, जिसका नतीजा यह निकला कि फर्जी मतदाता पकड़े गए, जिनके पास से फर्जी आईडी भी मिली। यहां देखने वाली बात यह है कि बलिया नगर निकाय के चुनाव में प्रत्याशियों को चुनने के लिए मतदान का प्रतिशत चौंकाने वाला रहा। निकाय चुनाव में कुल 60.26% मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा नगर पंचायत बेलथरा रोड में 67.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि सबसे कम प्रतिशत बलिया नगर पालिका का रहा, जहां पर 46.63% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। देखिए, बलिया में आज जो है सेकंड राउंड में 10 लोकल वाली में चुनाव था, इसमें 2 नगर पालिकाएं थी बलिया और दसरा, और 8 टाउन एरिया में चुनाव था। करीब 2,58,000 के आसपास मतदाताओं ने इसमें प्रतिभाग किया और मिलाकर के 10 अध्यक्षों का चुनाव होना था और उसी के साथ साथ में जितने सभासद वार्डों के थे उनके भी चुनाव होने थे। मतदाताओं ने पूरी निर्भीकता के साथ में अपने अपने इलाकों से निकल करके मतदान किया है। कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छे परसेंटेज मतदान हुआ। रेवती में आपका है, बेलथरा रोड में है, चितवड़ा गांव में, रसड़ा में अच्छे परसेंटेज मतदान हुआ। एवरेज जो पोलिंग हुई है करीब 60.26% के आसपास पोलिंग हुई है और सभी जगह पर शांति से मतदान हुआ। अंत में मैं यहाँ के सभी मतदाताओं का आभारी हूँ, जिनके यदि वो वोट डालने के लिए ना निकले होते शायद इतना बढ़िया परसेंटेज बलिया में नहीं हो पाया होता, और बलिया में बहुत शांति से चुनाव हुआ है, इसके लिए आप सब आभारी हैं। देखिए, कुछ जगहों पे उत्साह बहुत ज़बरदस्त था। रेवती में बड़ा ज़बरदस्त उत्साह था, बेलथरा रोड में ज़बरदस्त उत्साह था, चितवड़ा में उत्साह था, तो इन जगहों पे अच्छा खासा उत्साह था। बलिया कस्बे में थोड़ा उत्साह में कमी कुछ इलाकों में दिखाई पड़ी, कुछ इलाकों में बहुत अच्छा उत्साह था। तो ये तो डिपेंड करता है जो वहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो किस हद तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को कितना अच्छा मोटिवेट किए थे। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया था कि बलिया में परसेंटेज बढ़े। 2012 में जो बलिया का परसेंटेज था उससे परसेंटेज बढ़ा है, 2% ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आगे भी वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। कईयों को भी इस बातों को एहसास हो गया कि प्रशासन बहुत सख्त है, कहीं कोई अप्रिय घटनाएं हम लोग करेंगे तो बड़ी सख्ती से कार्रवाई हो जाएगी। तो वो एक डर भी था लोगों में और मतदाताओं में एक तरह से जो मतदाताओं में जो डर था वो एकदम ख़त्म हो गया था। मतदाता वोट डालने के लिए काफ़ी निकले तो उसका बहुत बड़ा अच्छा असर दिखाई दिया। ये चीज़ें ये सामने आई हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आई होंगी, कि जो स्कैनर मशीन का उपयोग करके फोटो स्टेट मशीन के माध्यम से आधार कार्ड फोटो आईडी कार्ड की स्कैनिंग करके करने का लोगों ने काफ़ी प्रयास किया था। हमारे यहाँ विगत 2-3 दिनों से जो छापे डाले गए उसमें काफ़ी मात्रा में हम लोगों ने ऐसे फर्जी आईडी पकड़े भी थे। आज चुनाव के दौरान भी छुटपुट जगहों पे 10-12 लोगों के मामले के पास इस तरह की फर्जी आईडी पाई गई, इनको गिरफ्तार भी किया गया, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा रही है और हम लोग इसको पता भी करा रहे हैं कि इस तरह की आईडी कैसे बन रही है, कौन कौन लोग बना रहे हैं। अभी 4 लोग उसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उनके कंप्यूटर्स, उनके फोटो स्टेट मशीनें ये सब हम लोग के कब्जे में हैं और कायदे की धाराएं उन पर लगाई गई ताकि उनको जमानत जल्दी आसानी से ना हो पाए।